यमुना के जलस्तर में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट के बाद आज यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। सुबह 9 बजे यमुना के जलस्तर में 205.58 मीटर दर्ज किया गया है और दिल्ली में बीते 3 घंटे से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे 205.45 मीटर पर यमुना का जलस्तर था। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार 2 दिन से यमुना का जलस्तर नीचे आ रहा था, लेकिन आज अचानक से यमुना का जलस्तर एक बार फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 घंटे से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में पानी से काफी राहत लोगों को मिल गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां से पानी निकाल दिया गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव की समस्या ऐसे के ऐसे बनी हुई है। हालांकि उन इलाकों को भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली यमुना का जलस्तर अपडेट आपको बता दें कि सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर था। सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर। सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.58 मीटर पर दर्ज किया गया था। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यमुना के जलस्तर में। राहत दिल्ली वासियों ने ली है, क्योंकि यमुना का जलस्तर काफी हद तक नीचे आया और उसके बाद दिल्ली में जो पानी भरा हुआ था उस पानी की निकासी हो पाई, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल पाए। लेकिन इस बाढ़ से काफी नुकसान भी दिल्ली के कई इलाकों को पहुंचा है। कई घर ऐसे हैं जिनका पूरा पूरा सामान जो है वो बह चुका है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसे लोगों को मदद का पूरा आश्वासन दिया है और उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की जाएगी हर तरह की मदद करने की। यह आश्वासन उन्होंने दिया है, जनता से मिलकर उनसे बातचीत की है, उनका हाल जाना है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सब की जानकारी ली है और उसके बाद उन्होंने वायदा किया है कि वो जल्द ही इन समस्याओं से निपटारा दिलवाएंगे और जितना हो सकता है वो सहायता करेंगे दिल्ली वासियों की। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि लगातार पिछले 3 घंटे से दिल्ली के यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगर बारिश होती है और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश के बाद ये जलस्तर और भी ऊपर आ सकता है और एक बार फिर से दिल्ली वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और काफी दिनों के बाद राहत दिल्ली में जरूर मिली है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजघाट में अभी भी पानी भरा हुआ है, राजघाट की समस्या अभी भी जस के तस है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आईटीओ में भी अभी भी जल भराव है और आईटीओ की समस्या भी अभी नहीं निपटी है। तीसरी तस्वीर है मयूर विहार की। मयूर विहार वो इलाका है जो बिल्कुल यमुना से सटा हुआ है और यमुना से सटे मयूर विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहां तक पानी भरा हुआ है। चौथी तस्वीर है सिविल लाइंस की। सिविल लाइंस का हाल आप देख रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे जहां से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन पानी निकालने के बाद वहां पर इतनी तादाद में मिट्टी है, इतनी ज्यादा वहां पर मिट्टी है और गाद वहां पर जमा हो गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में से इस गाद को हटाया जा रहा है ताकि सड़कों पर आवाजाही अच्छी तरह से सुचारू हो पाए, लेकिन कुछ इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, पहले आपने बताया था कि दिल्ली का क्या हाल है, लेकिन अब दिल्ली में कुछ राहत मिली है, अब दिल्ली का क्या हाल है? आपने सुबह दिखाया था कि सड़कों पर से मिट्टी को हटाया जा रहा है, कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया है, वो कौन से इलाके दिल्ली में हालात अभी भी खराब हैं? देखिए, सिर्फ राजघाट के इलाके पर ही इस समय जल भराव है। मेरे उल्टे हाथ के ऊपर आप सलीमगढ़ फोर्ट की तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। 2 घंटे पहले हमें यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही थी कि सड़कों पर जो कीचड़ जमा हुआ था, जो स्लिपरी जिसके कारण रोड हो गई थी, गाद जमी हुई थी, उसको JCBs की मदद से और फावड़ों की मदद से हटाया जा रहा था ताकि रोड स्लिपरी ना हो। अब जो कि सलीमगढ़ फोर्ट का जो रास्ता है ITO से, वो खोल दिया गया है, लिहाजा आंशिक तौर पर यहाँ पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मलसी कायम होनी देखने के लिए मिल जाएगी तस्वीरों के जरिए। राजघाट अगर क्लियर हो गया तो ये अनइंटरप्टेड पूरा रिंग रोड फंक्शनल हो जाएगा सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये अंडर ब्रिज है जो कि लोहे वाले पुल को और यमुना बाजार को कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपने 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जो तस्वीरें देखी होंगी, ये पूरा लबालब पानी से भरा हुआ अंडर ब्रिज था और ये अब सूखना शुरू हो चुका है और ये नेचुरल इसका सूखना हुआ है।
जब प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा तो ये भी जो अंडर ब्रिज है वो फंक्शनल हो जाएगा इस पानी को अगर डाइवर्ट कर दिया गया समय रहते हुए। लेकिन इस समय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी जो ये सामने वाला कनेक्टिंग रोड है जो रिंग रोड से यमुना बाजार इलाके को कनेक्ट करता है वहाँ पर चीज़ों को पटरी पर लाने का है। लिहाजा MCD के ही कर्मचारी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सुबह से ही तैनात थे और अंदर की जो दुकानें हैं वो देखिए खुलनी शुरू हो चुकी है। जो सामान्य जनजीवन था अब वो पटरी पर लौटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं और जो दुकान के अंदर गाद जमा थी, कीचड़ जमा था, उसको सुबह से ही वो क्लीन कर रहे थे और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी सुबह से देखने के लिए मिल रही थी। और ये जो रोड है वो सलीमगढ़ फोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ITO को कनेक्ट करता है, ये रिंग रोड का ही हिस्सा है और यहाँ पर सामान्य ट्रैफिक आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो मजनू का टीला से दिक्कत आ रही थी, सिविल लाइन से लोगों को दिक्कत आ रही थी, अब वहाँ पर पूरी तरह से जलभराव खत्म हो चुका है और वहाँ पर ये जो गाद हटाने का काम सलीमगढ़ फोर्ट और शांतिवन के आसपास दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर कंप्लीशन उसका हो गया हो। वाहनों की जो संख्या है वो कमतर इसलिए है क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ये जो पैच है वहाँ पर जलभराव है, लिहाजा शायद हो सकता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हों, नहीं तो नॉर्मल 10 बजे के आसपास यहाँ पर भारी संख्या के अंदर ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है। लिहाजा कह सकते हैं कि जो सोमवार का दिन है, सावन का जो दूसरा सोमवार है, वो कई मोर्चों के ऊपर एक सुखद तस्वीर भी दिल्ली की बयां कर रहा है और जो मंगलवार जो अगला दिन होगा वो पूरी तरह से नॉर्मलसी कायम करता हुआ दिखाई दे रहा। एक चिंता की खबर भी है इन सारी सकारात्मक खबरों के बीच में कि पिछले 4 घंटे से ये यमुना का वाटर लेवल था वो कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है और सुबह के वक्त जो 10 बजे का बुलेटिन जारी हुआ है CWC की तरफ से तो इस समय जो दिल्ली के अंदर यमुना का वाटर लेवल था वो 205.70 मीटर के मार्क के ऊपर है। 9 बजे ये 205.58 मीटर के मार्क के ऊपर था, 8 बजे ये 205.50 मीटर के मार्क पर था, 7 बजे 205.48 मीटर के मार्क पर था और 6 बजे 205.45 मीटर के मार्क पर था। तो आप ये देखिए कंसिस्टेंसी आंशिक तौर पर ये एक चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन CWC ऑफिशियल का कहना है कि चूंकि कई गेट्स फंक्शनल हुए हैं, ऑपरेशनल हुए हैं वज़ीराबाद के ऊपर, चूंकि माइक्रो रोड्स के ऊपर पानी जमा हो गया था, यमुना बाज़ार का जो इलाका उसके सामने मरघट वाले बाबा के मंदिर का जो इलाका था, प्रियदर्शनी कॉलोनी थी या सिविल लाइन का इलाका था, वहाँ पर पानी वापस खींचा जा सके यमुना फ्लड के अंदर, ये इंटेंशनल किया गया काम था। दोपहर तक बताया जा रहा है कि CWC के जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी, खतरे के निशान के आसपास पानी पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। ठीक है तरुण, देखिए एक तरफ आपने तस्वीरें हमें ये दिखाई हैं सुबह से कि किस तरीके से अब दिल्ली में राहत का कार्य चल रहा है और राहत दिल्ली वासियों को मिल गई है, सड़कों की सफाई अब की जा रही है, पानी अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अगर ऐसे में बारिश आती है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तब क्या होगा? देखिए येलो अलर्ट के ऊपर दिल्ली है और बारिश का अलर्ट जो था वो बीते 48 घंटों के दौरान भी था, तो दिल्ली के अंदर बारिश हुई है लेकिन येलो अलर्ट के मुताबिक मैक्सिमम रीच नहीं आया है। मिलीमीटर्स के हिसाब से भी देखें तो ऐसी कोई बारिश नहीं हुई है पिछले 48 घंटों के दौरान जिससे कि जो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ ऑपरेशन जो चल रहा था, मेंटेनेंस का काम जो चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसके अंदर बड़े स्तर के ऊपर बाधा आए। लिहाजा आज भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो रेड अलर्ट के ऊपर नहीं है, ऑरेंज अलर्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि येलो अलर्ट के ऊपर भी है ही है। और पिछले 48 घंटों के दौरान येलो अलर्ट के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बारिश दिल्ली के अंदर नहीं हुई है, ये ट्रेंड सकारात्मक संकेत दे रहा है। और आंकड़ों के जरिए यमुना का जलस्तर जब रिड्यूस होने शुरू होगा तो और ज़्यादा राहत दिल्ली वालों को मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस समय येलो अलर्ट के बावजूद जो प्रशासन का काम था रिलीफ ऑपरेशन उसके अंदर बहुत बाधा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राजघाट का पैच अगर खोल दिया गया, चूंकि वहाँ पर दीवारें तोड़ी गई हैं ताकि फ्लड का जो वाटर वहाँ पर जमा हो गया था उसको रिलीज़ किया जा सके यमुना के पानी के अंदर, तो अगर वो काम हो गया तो ये पूरी तरह से रिंग रोड फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है तरुण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।